संत कबीर का एक दोहा तो आपने सुना ही होगा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइये मन ही की प्रतीत। यानी कि अगर आप मन से हार गए तो आप सच में हार गए, और अगर आपने अपने मन को जीत लिया तो आप एक विजेता बन गए। इसी तरह ईश्वर को भी मन के विश्वास से पाया जा सकता है, और अगर मन पर भरोसा ही नहीं है तो भला कोई कैसे पा सकता है। अपने मन को ही जीतना हजारों युद्ध जीतने के बराबर है, क्योंकि हमारा मन ही हमारा सबसे अच्छा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन भी है। जिसने इसे काबू में कर लिया वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। आइए सबसे पहले दिमाग के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि इंसान के दिमाग की इतनी स्टोरेज कैपेसिटी होती है कि विकिपीडिया पर मौजूद जानकारी से भी कई गुना जानकारी आपका दिमाग सेव रख सकता है। क्या आप जानते हैं कि अकेले आपका दिमाग ही शरीर की 20% एनर्जी कंज्यूम करता है। आपका दिमाग इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है कि उससे एक लाइट बल्ब जल सकता है। आप सोच सकते हैं कि ये आपका दिमाग कितना पावरफुल है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग उसका ठीक ढंग से यूज नहीं कर पाते। हम सभी लोग अपनी जिंदगी में पूरे दिन कुछ न कुछ जानकारियां प्राप्त करते हैं, लेकिन उन छोटी छोटी बातों को हम याद नहीं रख पाते जितना कि हम चाहते हैं। हम चीजों को भूल जाते हैं। जैसे कि अगर आप कहीं पर स्पीच देने जा रहे हो तो पॉसिबिलिटी है कि आप फैक्चुअल डेटा भूल सकते हैं, इसलिए लिख कर ले जाते हैं। हमें जरूरत है अपनी मेमोरी को तेज करने की, ताकि हम एक पल में ही चीजों को याद कर सकें।